ईशान किशन ने कराया बांग्लादेश को नागिन डांस। बिहार के छोरे ने ऐसा बीन बजाया कि बांग्लादेशी बॉलर से लेकर बांग्लादेशी फैंस तक मैदान में नागिन डांस करने को मजबूर हो गए। बिहार के लाल ने बता दिया कि क्रिकेट किस अंदाज में खेली जाती है। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज विराट कोहली ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और उन्होंने भी शतक ठोक दिया। दोस्तों, मैच का आंखों देखा हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में भारत अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान पर उतरा था, क्योंकि सीरीज पहले ही भारत हार चुका है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में कप्तानी की कमान केएल राहुल को सौंपी गई। रोहित की जगह ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया। पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम में हारे हुए दो मैचेस का गुस्सा साफ झलक रहा था, लिहाजा शिखर धवन और ईशान किशन को ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। हालांकि शिखर धवन का विकेट जल्दी ही गिर गया और एक खराब शुरुआत हुई, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए विराट कोहली और ईशान किशन ने जो नाच नचाया वो बांग्लादेशी बॉलर कभी नहीं बोल पाएंगे। हालांकि ईशान किशन का ये पहला मैच था और कोहली भी पिछले दो मैचों में अच्छा नहीं कर पाए थे। ईशान किशन तो मानो ये ठान कर आए थे कि बांग्लादेशी बॉलर के सपने में आना है, इतनी जमकर धुनाई करनी है कि दोबारा कोई टीम भारत से उलझने से पहले बार बार सोचे। फिर क्या था, चाहे मेहंदी अल हसन हो या तस्कीन अहमद या फिर साकिब अल हसन, सबकी धुनाई तबियत से की गई। शुरुआत से ही ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते सेंचुरी ठोक दी। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसके बाद तो मानो ईशान किशन को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रहा हो। इस तरीके से बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए 131 गेंद में 24 चौके और 10 छक्के लगाते हुए 160 के स्ट्राइक रेट से दोहरा शतक जड़ते हुए 210 रन की तूफानी पारी खेल डाली। नॉन स्ट्राइकर एंड पर कोहली भी इस रंग में रंग गए और उन्होंने भी महज 91 गेंद पर 11 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक ठोकते हुए 113 रन बना डाले। उस समय ये कयास लगाया जा रहा था कि आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा और भारत 500 रन बना लेगा, जो कि ओडीआई का सर्वोत्तम स्कोर था। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भारतीय टीम लुढ़क गई और एक एक कर आउट होने लग गए। हालांकि इतने ज्यादा रन पहले ही बोर्ड पर लग गए थे कि बाकी बैट्समैन स्लो खेलने के बावजूद 400 का आंकड़ा पार कर गए। भारत ने 50 ओवर में 409 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाते हुए बांग्लादेश के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। ईशान किशन ने बता दिया कि मैच में हावी होकर कैसे खेला जाता है, बॉलरों का मनोबल तोड़ना किसे कहते हैं। दोस्तों, ईशान किशन और विराट कोहली की बैटिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।